Hi everybody, this is Anish Negi and I welcome you all to MCN Parshala. And I have done my Master of Philosophy in Mathematics from HP University Shimla. So students, हमने last week देखा था कि exercise 4.2 में हमने कैसे sums करे थे, ठीक है? हम statement वाले sums कर रहे हैं, हम ठीक है जी? इसमें क्या है? हमारे पास quadratic equation है. Quadratic equation को कैसे solve करते हैं? हमारे को पता है. हमारे पास दो method है, या तो हम उसको factorization से करेंगे, या हमारे पास एक formula है. Formula क्या है? x = -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये हमारे पास formula है, ठीक है जी? तो quadratic equation के बेस पे हमने क्या किया था, स्टेटमेंट वाले सम्स करे थे कि हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं. तो एक्सरसाइज 4.2 हमने कर लिया था, ठीक है जी? तो आज मूव कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.3 में. तो और मैं स्टेटमेंट वाले सम्स लेकर आया हूँ, जितने भी आपके डाउट रहते हैं आपके तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 4 years from now is 1/3. हमारे को क्या percentage निकालनी है इसमें? क्या निकालनी है? हमारे को percentage निकालनी है. फिर भी कह रहा हूँ कि जो हमारे third chapter का linear equation थी, हमने वहाँ पे भी क्या है sum ages वाले questions कर रहे थे, ठीक है जी? ages वाले sum हमने वहाँ पे भी किए थे attempt, ठीक है? तो जब मैं third chapter करवाया था, उस ages वाले questions में मैंने दो variable का use करा था, ठीक है? यहाँ पे क्या है, हम एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और मैं दो वेरिएबल का यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो एजिस वाले क्वेश्चन एक और आया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है, एक रहमान नाम का एक आदमी है, ठीक है जी? तो इसकी क्या है, हमारे को प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है हमको? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. इसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने, मैंने कहा था आपको, एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी भी अननोन, कोई भी चीज मान ले अननोन है, जब हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हमेशा एक्स मान लेते हैं, ठीक है? मेरे को नहीं पता कि इस रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, हमेशा हमेशा इसको क्या मानना है, एक्स मानना है. प्रेजेंट एज क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज क्या मानेंगे हम? एक्स मानेंगे, ठीक है? एक्स ईयर से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे को रहमान की एज निकालनी है, ठीक है जी, मेरे को नहीं पता उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो उसको मान रहा हूं मैं, उसकी प्रेजेंट एज को माना एक्स, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रहमान की एज है वो क्या हो रही है, रेसिप्रोकल. क्या हो रही है, एक और वर्ड आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन में फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनेगा, P upon Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होता है, ठीक है? रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे क्या होगा, P upon Q की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या है, गिवन कि जो रहमान की एज है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 साल पहले और 5 साल के बाद, उसकी रेसिप्रोकल एज कितनी हो रही है, 1/3 हो रही है, ठीक है? 1/3. यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है. देखो कैसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? अब 3 साल पहले और 5 साल बाद बता रहे, फाइव ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है? तो क्या एज हो जाएगी, 3 साल पहले मतलब पास में चला गया, तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी 3 साल पहले, एक्स माइनस थ्री. 3 साल पहले यही एज हो जाएगी कि एक्स माइनस थ्री. 5 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस फाइव. दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक आदमी है रहमान, उसकी क्या प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. मेरे को नहीं पता प्रेजेंट एज उसकी क्या है, तो मैंने उसकी एज को माना एक्स प्रेजेंट एज, ठीक है? उसकी 3 साल पहले एज और 5 साल बाद एज, प्रेजेंट एज के बाद, ठीक है, वो उसकी रेसिप्रोकल कितनी हो रही है, 1/3, ठीक है जी? कितनी हो रही है, 1/3, ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम मतलब प्लस, सम ऑफ रेसिप्रोकल किसका, इसका रेसिप्रोकल. मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल किस फॉर्म में होगी, पी अपॉन क्यू. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x-3, ठीक है जी? 1/x-3 और 1/x+5, 1/x+5. हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी. क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is equals to 1/3. ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी? यहाँ से सिंपल सा है, हमारे पास किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है. तो हमारे को पता है अगर बीच में प्लस और माइनस हो तो वहां पे क्या लेते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं. क्या लेते हैं, एलसीएम. तो इसकी और इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इन टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3. इसका मैंने एलसीएम लिया, क्या एलसीएम इसका, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई
एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री, ये हमारे पास इक्वेशन बनी x प्लस फाइव और x माइनस थ्री, ये हमारे पास कंडीशन बनी, ठीक है जी। तो आगे मैं चल रहा हूँ यहाँ से, अगर किसी को डाउट है तो फिर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे, फटाफट से फटाफट से। चलो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, ठीक है। यहां से सिंपल सी इक्वेशन बनी, टू एक्स प्लस एक्स, टू एक्स कॉन्स्टेंट है फाइव और थ्री, यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी बड़ी का साइन क्या है प्लस का, तो प्लस फाइव में से थ्री का कितने हुए टू आया जी, ठीक है। अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है। यहां से कुछ नहीं क्या, सिंपल से सिंपल इक्वेशन बनी, यहाँ पे देखो एक एक्स और एक एक्स कितना हुआ टू एक्स, फाइव माइनस थ्री टू, ठीक है जी। जब भी ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करना होता है, जब भी ऐसे सॉल्व करना होता है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इधर की इधर वैल्यू और इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थ्री इंटू टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन के साथ मल्टीप्लाई करो, जिस वैल्यू को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव, ओके ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू टू क्या हो जाएगी वैल्यू, सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थ्री को इससे और इसको इससे, ठीक है। यहाँ देखना ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, यहां से हमने ब्रैकेट ओपन के ब्रैकेट ओपन किया तो वैल्यू हमारे पास आई ये, ठीक है। यहां से मैं क्या इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां से वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, माइनस सिक्स एक्स प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वैल्यू बची, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है प्लस की वैल्यू, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स, यहां से आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखना फाइव एक्स थ्री एक्स और सिक्स एक्स, सारी x की वैल्यू है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, सिक्स और थ्री नाइन, माइनस नाइन एक्स प्लस फोर फाइव एक्स, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, माइनस फोर एक्स, ठीक है जी, माइनस फोर एक्स। और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, हमारे पास कॉन्स्टेंट बचे सिर्फ फिफ्टीन और सिक्स, तो यहाँ से आई वैल्यू माइनस फिफ्टीन और सिक्स, ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट हमारे पास सिर्फ दो ही है और एक्स की वैल्यू के साथ हमारे पास सिर्फ तीन वैल्यू है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस सिक्स और थ्री नाइन, नाइन माइनस नाइन से प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फॉर्म में बनी, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, यहां से क्या हो, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, मल्टी पी और एस लिखते थे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ए सी वैल्यू आनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी वन, और माइनस से कितनी वैल्यू आनी चाहिए माइनस फोर, ऐसी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस फोर आए, और मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी वन आए और माइनस करके माइनस फोर आए, ठीक है जी। ऐसी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सेवन और फोर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आई, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी वन, और माइनस करूंगा तो माइनस फोर, सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन और सेवन में से थ्री गए फोर, ठीक है जी। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी एक्स एक्स माइनस सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू सेवन और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है जी।
एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक 7 और एक -3। ठीक है, हमारे को पता है कि जो एज होता है वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, जो एज है वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया? सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की दो, रहमान की प्रेजेंटेज कितनी आई? रहमान की प्रेजेंटेज कितनी आई? 7। तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? 7 - 3 इज इक्वल टू 4। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, जो रहमान की प्रेजेंट एज हमारे को फाइंड आउट करनी थी। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास? 7 है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे, किसी को डाउट रहा हो अगर। ठीक है जी, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कितना है इसका? 30। ठीक है, ही हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट विल बी वुड बी 210, फाइंड देयर मार्क्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेफाली लड़की है, ठीक है, शेफाली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शेफाली एक लड़की है, इसने क्या क्लास टेस्ट दिया? ठीक है, क्लास टेस्ट में क्या हुआ? सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट हुआ। ठीक है जी, मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट हुआ। ठीक है, हमारे को बताना है कि इनके मार्क्स कितने आए, मैथ्स में कितने आए और इंग्लिश में हमारे मार्क्स कितने आए। ठीक है, शेफाली के, तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? जो सम है मैथ्स और इंग्लिश का कितना है? इज इक्वल टू 30। अब देखो, मैथ्स और इंग्लिश के हमारे को मार्क्स फाइंड आउट करना है, तो मेरे को नहीं पता कि मैथ्स में और इंग्लिश में कितने मार्क्स है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ कि जो मैथ्स में इसके मार्क्स है, हमेशा कहा मैंने कि जब भी कोई अननोन चीज हो उसको हमेशा एक्स मानो। ठीक है, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ और एक वेरिएबल से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैथ्स में इसके एक्स मार्क्स आए और इंग्लिश में इसके मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे इसके? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? जो सम है, जो मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स, वो कितने हैं हमारे पास? 30। कितने हैं? 30। अगर टोटल मार्क्स इसको और इसको मिला के 30 मार्क्स है, तो एक्स में अगर एक्स मैथ्स में अगर एक्स है तो इंग्लिश में कितनी वैल्यू होगी? 30 - x, यही तो इक्वेशन बनेगी। अगर इन दोनों का सम 30 है, अगर मैथ्स में एक्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे? 30 - x। क्लियर है? ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है इनका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? शेफाली के मार्क्स क्या है? मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं? इंग्लिश में कितने मार्क्स है इसके? 30 - x, वो टोटल कितना बना रहे? 30। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां से, अच्छा एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है जी, एक मिनट मैं करवाता हूँ, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अभी नहीं करवाऊँ क्योंकि कुछ है इसे बताने के लिए, तो अभी टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले करवाऊंगा, अभी टाइम कम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कल करवाऊंगा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें क्या है, इसका एक क्या होता है, डायगनल होता है। ये साइड क्या होती है? इसकी डायगनल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड में क्या बोलता है, जो इसका डायगनल है वो क्या है? 60 मीटर मोर है इसकी शॉर्टर साइड से। डायगनल की वैल्यू क्या है? 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड क्या होगा रेक्टेंगल में? हमेशा शॉर्टर साइड ये हो जाएगा। मेरे को नहीं पता शॉर्टर साइड क्या है, तो इसको मैं मान रहा हूँ एक्स। ठीक है, तो डायगनल क्या हो जाएगी, जो 60 मीटर मोर, मतलब 60 प्लस एक्स। ठीक है जी,
डायगनल क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रेक्टेंगल फील्ड की जो डायगनल है वो 60 मीटर मोर है इसकी शॉर्टर साइड से। रेक्टेंगल फील्ड में जो शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है, इसको मैंने माना x है ना, तो डायगनल क्या हो जाएगी 60 प्लस x है ना। एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन दी है कि इसमें जो आपका लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, 30 मीटर मोर है किसके शॉर्टर साइड से, तो इक्वेशन ये बने, ठीक है जी। हमारे को पता है अगर भी जब भी डायगनल दिखता है, जब भी ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इसमें हमारे पास हमेशा क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना राइट एंगल फील्ड में। देखो यहां से मैंने क्या माना, जो शॉर्टर साइड मैंने एक्स माना, जो लॉन्गर साइड है वो गिवन है कि 30 ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से, और डायगनल गिवन है वो कितना है, 60 मीटर मोर है किससे, उसके शॉर्टर साइड से, ठीक है जी। तो डायगनल गिवन है, मेरे को पता है कि अगर रेक्टेंगल फील्ड है मेरे पास, उसके डायगनल गिवन है, तो ये किस फॉर्म में होगी, ये हमारे पास किस फॉर्म में होगी, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है आपको, तो हम इस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ ए बी सी डी। जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है जी, है ना। तो डायगनल यहाँ पे क्या गिवन है, तो यहाँ से डायगनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इधर अंडर रूट चला जाएगा। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायगनल मैंने क्या निकाला यहाँ से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी मेरे पास क्या है 30 प्लस एक्स और शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से एक डायगनल हमारे पास ये वैल्यू आई, डायगनल की वैल्यू ये आई, एक और डायगनल गिवन है कि डायगनल क्या गया, गिवन है 60 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दोनों डायगनल को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बता दे, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना, जब भी मैंने रूट को कैंसिल करना है तो हम क्या करते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल होगी क्या बचेगी वैल्यू, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बची थी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस रूट को मैंने कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, ठीक है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से इसके ऐसा हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना हमारे पास, इसको आगे पीछे लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, 120x, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 900 प्लस 2ab 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट ओपन करा है, ठीक है जी। यहाँ पे a प्लस बी का हो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, ये वैल्यू रखा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या बची वैल्यू, यहाँ से बची एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600, ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास बची है ना। इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखना
इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -60x। ठीक है जी, फटाफट करवा रहा हूँ मैं, माइनस इससे इसको माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0072, सही से आ जाएगी जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ पर क्या बची, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बची, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करके इतनी वैल्यू आनी चाहिए और माइनस करके 60 वैल्यू आनी चाहिए, ऐसी वैल्यू हमारे को क्या है फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, मैं रफ में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2700, और माइनस करके कितनी वैल्यू आनी चाहिए, -60। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी, ऐसी वैल्यू क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2700। ठीक है, और माइनस करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, -60। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस 90 प्लस 30 यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 90 और एक आ जाएगी -30। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 90 और -30। हमेशा हमारे को पता है कि जो जो एरिया होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड जो एरिया हो सकता है वो नेगेटिव फील्ड में, लेंथ कभी नेगेटिव फील्ड नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे हम। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90। एक्स क्या है हमारे पास, शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड क्या आई रेक्टेंगल की, 90 आई। तो लॉन्गर साइड इसे पुट करेंगे, 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120, और डायगनल क्या आ जाएगा इसका, 60 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। ठीक है, यार किसी को डाउट रहता है तो फटाफट से लाइव कमेंट करके बता दीजिए, है ना, क्योंकि लाइव में अगर आप अपने डाउट सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है जी, अगर कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई करता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी फटाफट उसको रिप्लाई करूं और मैं जो डाउट होते हैं बच्चे के वो सॉल्व करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और डाउट और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। अगर किसी को फिर भी रहता है डाउट तो कमेंट सेक्शन में अभी फटाफट से कमेंट करके बता दें।